अब मुझे ये बताइए कि 7 साल की सजा का प्रावधान जो किया है वो 7 लाख रुपए वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? अगर वो 10 साल के लिए जेल में जाता है तो उसके पीछे में जो संसार है, जो बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके पीछे में माँ बाप है, उसका परिवार है, उनका उधर निर्वाह कैसे होगा? सभी भाइयों को ट्रांसपोर्ट लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गुरदेव सिंह, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट लाइव। तो दोस्तों आज जो है अकोला यूनियन ने एक बड़ा बयान दिया है कि कैसे जो है काले कानून जो ड्राइवरों के साथ आए हैं, ड्राइवरों को जो है बड़ा जो है हिट एंड रन के मामले में जो है कई बार भैया आपने देखा होगा हड़तालें जा रही है। तो महाराष्ट्र के अकोला में क्या बोला अकोला यूनियन के प्रेजिडेंटों ने, पहले आप वो देखिए। आज यहाँ पर अमरावती जिले में मोटर मालक माल वाहतुक एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और चालक मालक यहाँ पर सब जमा है। मैं सभी लोगों की ओर से केंद्र शासन को, जिन्होंने ये तुगलकी फरमान जारी किया है, उनके द्वारा अभी हाल में लोकसभा में एक विधेयक उन्होंने पारित किया है, उसमें इस तरीके का प्रावधान है कि कोई ड्राइवर के हाथ से अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है तो उसमें 7 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो ड्राइवर से वसूल किया जाएगा। अगर वो ड्राइवर 7 लाख रुपए देने के काबिल नहीं है, अगर वो जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे कम से कम 10 साल जो है कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब मुझे ये बताइए कि 7 साल की सजा का प्रावधान जो किया है वो 7 लाख रुपए वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? एक बात, अगर वो गरीब आदमी ड्राइवर अगर कुछ रोजगार नहीं करता तो वो चालक बनता है, उसके पास 10-15 हजार रुपए महीने के कमाने वाले के पास में 7 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? एक बात। दूसरी बात, अगर वो 10 साल के लिए जेल में जाता है तो उसके पीछे में जो संसार है, जो बच्चे है, उसकी बीवी है, उसके पीछे में माँ बाप है, उसका परिवार है, उनका उधर निर्वाह कैसे होगा? तीसरी बात, सरकार ने वाहनों की संख्या बड़े बड़े पैमाने पर बढ़ा रखी है, जहां पर कारें, मोटरसाइकिलें, ट्रक और ना जाने कितनी कंपनियों की गाड़ियां को बिंदास जो है तो पास किया जा रहा है, लेकिन शहर में सरकार के पास में नियोजन नहीं है कि पार्किंग व्यवस्था नहीं है, सड़कों का डिवाइडेशन नहीं है, सड़कों पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, उसके बाद में सड़कों के ऊपर में यातायात रोकने और सुचारू रूप से चलाने के लिए सिग्नल्स नहीं है, वहाँ पर इस तरीके का तुगलकी कानून लगाना एक जनता के साथ में एक घोर अपराध है जो सरकार ने किया है। और दूसरी बात यह है कि जनता, अगर जनता के लिए ड्राइवर काम करता है, पूरी दुनिया में देखिए कि मोटर लाइन के भरोसे सारे देश की जो है वो यंत्रणा चलती है, धड़न वड़न चलता है, कारोबार चलते हैं, नियोजन चलता है, सरकार की सारी चीज़ों के ऊपर में फोकस जो है वो एक ड्राइवर और एक गाड़ी होती है। अगर ये गाड़ियां बंद हो जाए, अगर 3 दिन हड़ताल शुरू हो जाए तो देश का कारोबार ठप हो जाए। इस तरह जो तुगलकी फरमान जारी किया है, इसके विरोध में अमरावती जिला मोटर मालक चालक मालक एसोसिएशन की ओर से मैं सभी हमारे मालक और ड्राइवरों की ओर से सरकार से निवेदन करता हूं कि तुगलकी फरमान को वापस लिया जाए और उसके ऊपर में वापस सोच समझकर निर्णय लिया जाए, ताकि सबको इसकी राहत मिले और आइंदा इस देश में होने वाली जो दुविधा है उसको खत्म किया जा सके। धन्यवाद। जी हाँ, आपने देखा होगा अकोला यूनियन है, उनके पास करीब उन जिले में 5000 ट्रक है उसके अंदर, और कई बार भाइयों उन्होंने ड्राइवरों की काफ़ी मदद की है, लेकिन आज उन्होंने बोला कि हिट एंड रन मामले में जो है ड्राइवर को 10 साल की सजा हो जाएगी और 7 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा। उसके बारे ड्राइवरों को जागरूक किया है, जो ड्राइवर हड़ताल के अंदर गाड़ियाँ चला रहे हैं उनको भी समझाया, उनके फूलों के हार डाले, अगर ड्राइवर नहीं समझते तो जूतों के हार डालने का उन्होंने भी बोला है। तो आप भी क्या कहना चाहते हैं अकोला यूनियन के बारे? अकोला महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, महाराष्ट्र जैसे कि आप नागपुर रोड के ऊपर अकोला पड़ता है, तो उनके यूनियन बहुत अच्छा काम करती है। डाले के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे जो है मुद्दे उठाए हैं, काफ़ी सारे डाले को माफ कराया है। तो आप लोगों ने क्या कहना अकोला यूनियन के बारे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह हम देश में आप लोगों के हमेशा जो है मुद्दे उठाते हैं। अगर आपके पास वीडियो दिए गए स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप भी वीडियो बनाकर हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लाइव देखने बहुत बहुत धन्यवाद।